राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत शिविर का जायजा लेने राज्य के मंत्री मुमताज मसीह पहुंचे, जहां वार्ड नंबर 1 में महंगाई राहत कैंप का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता, वार्ड पार्षद बनवारी लाल शर्मा, मनोनीत पार्षद भरत यादव मौजूद रहे। राहत कैंप में वार्ड संख्या 1 व आसपास के क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ का फायदा उठाया। ये राहत कैंप 2 महीने के लिए परमानेंट कैंप है और 2 महीने तक ये लगातार चलेगा, लेकिन अगर उसके बाद भी यहाँ पर कोई अगर बच जाते हैं, ऐसे जिनको लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो ये लगातार आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार का ये कैंप जो परमानेंट कैंप है वो आज से शुरू हो रहे हैं। अभी तक 10 कैंप यहाँ पर आपके जिले के अंदर, शहर के अंदर लगाए जा रहे हैं। आज से लगभग कितने लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, लाभ उठाने के लिए तो सारी जनता है, सबके लिए है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोई इसमें, जो उसके कैटेगरी में आ रहा है उसको उसका लाभ मिलेगा। जिस जिस उसके लिए, मान लीजिए कोई किसी को बिजली के उसके अंदर आ रहा है जो, अगर और कोई आ रहा है आपके अनाज के उसके अंदर, तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए है। जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं उन कैटेगरी के लिए सबको इस पर रजिस्ट्रेशन किया जाए। देखिए, इस वार्ड नंबर 1 का प्रेस्क्राइब प्रोग्राम था 27 अप्रैल और 28 अप्रैल, लेकिन जनता की सुविधा के लिए आज से इसको प्रारंभ कर दिया गया 26 से, जो कि 30 तक इसी पे स्थायी कैंप में भी रहेगा और कल 27 और 28 को ये बड़े कैंप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद में स्थायी कैंप के ऊपर छोटा काउंटर 2 लैपटॉप का यहाँ पे जारी रहेगा, जिससे कि जनता परेशान नहीं हो। यहाँ जनता को प्रेस्क्राइब परफॉर्मा के हिसाब से उनको मालूम नहीं था, फिर भी पब्लिक इतनी आई है, इतना उत्साह है कि एक क्रांतिकारी योजना है और इसमें जनता लाभान्वित हो। हम हैं, भरत जी है, हम लोग सब लगे हुए हैं यहाँ पे कि कोई जनता हमारी परेशान नहीं हो। हमारा ध्येय यही है कि जनता शांतिप्रिय तरीके से आ रही है, जा रही है और उसका काम हो रहा है।